نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد व मुराफ महदिनलील वसलम फ़ी आला जन्नत ख़ुलद आमीन या रब्लम तो इनशा मुहरम के बारे में कुछ हम बात करेंगे इस मुबारक महीने की फ़जाइल के हवाले से और इसमें हमारे एक्शन कैसे होने चाहिए हमारे करने के काम क्या हैं क्या होने चाहिए

वक़ातलमशरक़ी न काफ़ा कमायतिलुन कम काफा वालमुत महीनों की गिनती महीनों की तादाद अल्लाह तला के नज़दीक बारह ही है बारह महीने है अल्लाह की किताब में जिस दिन से उसने ज़मीन वासमान पैदा किए हैं और उन बारह में से चार महीने हरुम हराम है यही है दुरुस्त दीन तो इन महीनों में एक दूसरे पर जुल्म ना करो और मशर्क के साथ किताल करो सारे मिलकर जिस तरह वो सब मिलकर तुमसे किताल करते हैं और जान लो कि अल्लाह ताला मुत्तकीन के हमरा है मुत्तकीन के साथ है अब क़ुरान की इस आयत से हमें बिल्कुल वाज़े तौर पर पता चलता है कि साल के बारह महीने हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से कैलेंडर्स राइज हैं आज भी जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर है सोलर जो वो भी बारह महीने का है फिर लूनर कैलेंडर है जो कि अमूमन फिर इस्लामिक कैलेंडर कहलाता है और हिजरी कैलेंडर भी कहलाता है वो चांद के हिसाब से चलता है और उसके भी बारह महीने हैं जैसा कि अल्लाह सुबहान तला ने कुरान में फ़रमाया इसके अलावा और भी चाइनीज़ कैलेंडर्स भी हैं फिर बहाई कैलेंडर है फिर यानी उनकी बेसिस जो है वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है ये बारह महीनों वाले कैलेंडर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हैं और जो लूनर कैलेंडर है बारह महीनों का उसको तो अल्लाह सुबहान तला ने कुरान में ऑथेंटिकेट किया है अब एक जो जहन में बात उठती है या सवाल उठता है वो ये हो सकता है कि क्या इस्लामिक जो कैलेंडर है वो हमेशा से राइज था क्या वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के वक्त भी राइज था तो ऐसा है कि अहले अरब जो हैं वो कोई ना कोई एक लैंडमार्क जो है वो तो बनाते थे कोई ना कोई एक बेंच मार्क उनके हम भी हुआ करता था कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से आता है कि आप आमुल फील में पैदा हुए और इसी तरह से कुछ अपनी उन्होंने गिनतियाँ बनाई हुई तो थी लेकिन ये जो हिजरी कैलेंडर है इसका इजरा उमर रदीलान्हों ने किया था और अबू मूसा अशरी रदी के बारे में आता है कि वो इराक़ में थे और वहाँ पर उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स में इशू हुआ कि एक महीना किसी महीने का ज़िक्र किया गया तो फिर पूछने पर उस शख्स ने जिसने कोई लिखा था कोई आ, कोई या मिसाक या कोई आ, वादा किया था कोई कमिटमेंट की थी तो उसने कहा नहीं मैंने इस साल के महीने की तो नहीं की थी मैंने तो अगले साल के महीने की की थी तो आ, इस तरह फिर अब मसालाशरी रदीलान्हों ने उमर अदी से रिक्वेस्ट की कि एक कोई हमें अपना साल का महीना बना लेना चाहिए और सालों की गिनती बना लेनी चाहिए और एक महीना बना लेना चाहिए कि जिससे के साल शुरू हो तो फिर एक हज़रतमर रदी लानों का जैसा कि एक तरीका मुबारक था कि वो शुरा किया करते थे मशवरा किया करते थे और सैदना अली रदीलान हो सैदना ओस्मान रदीलान हो और दूसरे अकाब साहबा से मशवरे के बाद ये तय हुआ कि मुहर्रम जो है वो हम हिजरी कैलेंडर का पहला महीना रखेंगे और इसको हिजरी कैलेंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का से मदीना की थी जिसका कि ग्रेगोरियन कैलेंडर सिक्स ट्वेंटी टू ए डी या सिक्स ट्वेंटी टू बनता है तो वो मुहर्रम में हुई थी तो हिजरत को एक लैंड मार्क एंड राइटफुली सो आप देखिए कि सहाबा कराम की जो जजमेंट और सहबा कराम का जो एक, एक एक डेप्थ थी उनकी सोच की थिंकिंग की कि क्या चीज़ इस्लाम में सबसे बड़ी अहमियत की हामिल है किस को वो बेंच मार्क बनाया जाए कि जिससे फिर आइंदा हमारे साल की इब्तदा हो तो फिर यही समझ की गई कि ये तो हिजरत के अलावा और किसी चीज़ को भी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने वाले कोई डेट या महीने को बजाय इसके के रखा जाता हजरत को रखा गया क्योंकि हिजरा एक इतना बड़ा पैगाम है हर मुसलमान के लिए और आ, हर साल जब हम इस्लामी नए साल की इब्ता करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये हिजरी कैलेंडर की इब्तदा है और हिजरी का लफ्ज़ जो है वो अब हमने बिल्कुल एक टेक्निकल टर्म बना लिया वरना तो हिजरा हमारे ईमान का तकाजा है नबी अलैहि वसल्लम ने मक्का क्यों छोड़ा साहब कराम ने मक्का क्यों छोड़ा ख़वात ने मक्का क्यों छोड़ा शौहर छोड़े बच्चे छोड़े और एक ईमान की हिफाज़त के लिए एक ईमान की हिफाजत के लिए वहाँ से निकल आए अपने आबाई घरों से अपने खूनी रिश्तेदारों से अपने जरिया मुाश से हर चीज़ छोड़ छाड़ कर एक इंसान जब निकलता है तो आप सोचिए कि वो कितना बड़ा अंदर कोई पैशन है किसी और चीज़ के लिए किसी और कॉज के लिए किसी और अकीदे के लिए कि इंसान इन सब चीज़ों को छोड़ने के ऊपर तैयार हो जाए तो आप देखें कि यहाँ पर असाबुल कहफ को भी हमें याद कर लेना चाहिए असाबुल कहफ ने ये समझ कर ली कि अगर हम इन्हीं चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे अपनी दुनियावी सारी आसाइशों पर तो हम अपना अकीदा, अपना दीन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उन्होंने वो सब कुछ छोड़ा आप देखें कि जब ईमान की कीमत और क़दर का अंदाज़ा हो जाता है तो इंसान को ये समझ आ जाती है कि कोई भी कुर्बानी जो हम ईमान की खातिर देते हैं वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होती वो कितनी भी बड़ी हो ईमान वर्थ इट यही पैगाम हिजरत का है नबी अलैहि वसल्लम की कि ईमान इज़ वर्थ इट आप देखें कि वो कितनी खौफनाक वो बला है वो जो जहन्नम है और उसके अंदर से बिल आखिर आखिर में भी निकल आने वाला बंदा कौन सा होगा जिसके अंदर इतना सा ईमान था राई के दाने के बराबर भी ईमान था और जिसने ज़िंदगी में एक मरतबा कहीं ला, इल्ला ला कहा था तो वो भी बिल आखिर पुल आउट हो जाएगा ईमान की इतनी बड़ी कुत है और इतनी बड़ी कदर कीमत है और क़्यामत का दिन तो वो दिन होगा कि जिस दिन ये ज़मीन जो है एजाज़ुलज़िलतर्द जल्ज़लहा वखराजतरदाज़ालाहा ज़मीन अपने अंदर के सारे बोझ और सारे ख़ज़ाने आप देखें जिन पर आज दुनिया एक दूसरे के लिए कत्ल वारत कर रही है एक दूसरे को और ये सब चीज़ें जो हैं ये वॉमिट हुई पड़ी होंगी जमीन बाहर निकाल देगी इनको और इनकी पाइल्स एंड पाइल्स लगे हुए होंगे क्या हीरे क्या मोती क्या सोने चांदी तेल पानी मादनियात जिस जिस चीज़ पर आज दुनिया में शोर मचे हुए हैं वो सब बाहर होगी किसी चीज़ की तरफ कोई यहाँ उठा कर भी ना देखेगा कोई उसको लेना नहीं चाहेगा बल्कि वो वबाल जान होगा और कोई कदर कीमत होगी तो वो ईमान की होगी और ये हकीकत जिन हस्तियों ने पहचान ली उन्होंने हिजरत की और हिजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरा जो थी वो तो वतन से वतन को छोड़ने वाली हिजरा थी और ईमान की खातिर अपना वतन चेंज करने की और बेसर सामानी के आलम में निकलने की थी आज हमारे लिए कई तरह की हिजरतें हो सकती हैं गुनाहों से हट जाना गुनाहों से नेकी की तरफ अंधेरों से रोशनियों की तरफ अपने बुरी आदतों से अच्छी आदतों की तरफ बेनमाज़ी से नमाज की तरफ झूठ से सच की तरफ गीबत से हसन जन की तरफ बदगुमानियों से हसन ज़न की तरफ बद अखलाकी से खुश अखलाकी की तरफ ये हिजरतें हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महाजिर वो है कि जो उन चीज़ों से रुक जाए कि जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है तो लिहाजा सबसे पहली बात सबसे पहला पैगाम जो है वो ये है कि हमें ये सोचना है कि ये मुहरम का महीना ही क्यों कि जिससे हिजरी कैलेंडर की इब्ता की गई तो सहाबा हिजरा की अहमियत को समझते थे लिहाजा उन्होंने हिजरा ही को लैंडमार्क बनाया अब हम देखते हैं कि महरमल हराम के हवाले से हमें और क्या क्या अदीस मिलती हैं। अबू बकर बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साल के बारह महीने हैं जिनमें से चार हरमत वाले हैं तीन तो मुसलसल हैं ुल्कदा जा और महर्रम और जमादा और शाबान के दरमियान रजब का महीना जिसे रजब मदर कहा जाता है ये सही बुखारी की हदीस है तो लिहाजा ये चार महीने हरमत वाले हैं और मुहरम को भी मुहरम इसी लिए कहा जाता है कि ये हरमत वाला महीना है और इसकी हरमत की ताक़द ही के लिए इसे मुहरम का नाम दिया गया है यानी हराम किया गया महीना और इबन अब्बा रदीलामा से जब इस आयत की एक्सप्लेनेशन पूछी गई कि लिहाजा तुम इन महीनों में अपने आप पर म सितम ना करो तो उन्होंने कहा कि तुम इन सब महीनों में यानी बारह के बारह महीनों में म ना करो और फिर इन महीनों में से चार को मखसूस करके उन्हें हरमत वाला करार दिया गया और उनकी हरमत को भी बहुत अजीम करार दिया गया और इन महीनों में गुनाह का इतकब करना भी अजीम गुनाह का बायस करार दिया गया और इन में नेक अमाल करना भी अजीम अजर सवाब का बायस बनाया गया तो लिहाजा हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हम हरमत वाले महीनों में गुनाह करते हैं तो वो बाक़ी आठ महीनों से ज़्यादा गुनाह जो है वो अजीम करार पाया जाता है करार दिया जाता है और इसी तरह से कोई भी नेक अमल अगर हम बाकी महीनों में करें तो उसका अजर और जो हम हराम महीनों में करें तो उसका अजर फर्क होता है वही अमल जब किया जाता है हुरमत वाले महीनों में तो उसका अजर अल्लाह अल्ला ज़्यादा देते हैं इसी तरह से कतादा रहमल इस आयत में के लिहाजा तुम इन महीनों में अपने आप पर सितम ना करो तो वो इसके बारे में फरमाते हैं कि हरमत वाले महीनों में जुल्मों सितम करना दूसरे महीनों की बनस्बत यकन ज़्यादा गुनाह और बुराई का बास है अगरचे हर हालत में जुल्म बहुत बड़ी और अजीम चीज़ है लेकिन अल्लाह सुबहान अपने अमर में से जिसे चाहे अजीम बना देता है इसी तरह से कताद रहमोल्ला ये भी कहते हैं कि बिलाशुबा अल्लाह सुबहान ने अपनी मखलूक में से कुछ को इख्तियार करके चुन लिया है फ़रिश्तों में से भी पैगामबर फरिश्ते चुने जैसे जब्राईल है और इंसानों में से भी रसूल बनाए और कलाम में से अपना ज़िक्र चुना ज़मीन के मक़ामात में से मसाजिद को चुना पसंद पसंद फरमाया और महीनों में से रमज़ानमबारक और हरमत वाले महीने चुने और अयाम में से जुमे का दिन इख्तियार किया और रातों में से लैलतुल कदर को चुना लिहाजा जिसे अल्लाह ताला ने ताजीम दी है तुम भी उसकी ताजीम करो क्योंकि अहले इल्म फहम के हाँ उमूर की ताजीम भी उसी चीज़ के साथ की जाती है जिसे अल्लाह ताला ने ताजीम दी है तो जिसको अल्लाह ताला ने तज़ीम के साथ रखा है उसकी तज़ीम करना हमारे ऊपर भी वाजिब है अब इस तज़ीम में क्या क्या आता है सबसे पहले रोज़ा हराम के महीने में कसरत से रोज़े रखने की क्या फ़जीलत है अबू हुरर रदील्हु तुम बयान करते हैं कि रसोल्ला सल्ह वसम ने फरमाया रमज़ानमबारक के बाद अफसल तरीन रोज़े अल्लाह ताली के महीने मुहरम्लहराम के रोज़े हैं ये सही मुस्लिम की हदीस है अब यहाँ पर ये यह जो है ना अल्लाह ताला का महीना शहरुल्ला तो शहरुल्ला यहाँ पर ताज़ीम की इजाफत है ये ताज़ीमन उसको जैसे बैतुल्ला है ना या नाकतुल्ला तो इसी तरह से शहरुल्ला ये मुहर्रम की ताज़ीम में और उसके तशरीफ़ यानी इजाफ़त तशरीफ़ी भी इसको कहते हैं कि उसके शर्फ़ के लिए अल्लाह ताला ने उसको अपनी तरफ मंसूब किया है यानी इतना ये वेनेटेड और इतना ये सेक्रेड महीना है अल्लाह सुबहाना के नज़दीक एक और स्कॉलर का कहना है जगहों और जमाने की फजीलत दो किस्मों की होती है एक किस्म तो दुनियावी और दूसरी दीनी जो अल्लाह ताला की तरफ लौटती है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर उन अवात और जगहों में अमल करने वालों पर अजर व जुदोसखा करता है यानी यानि बेानतहाजर सवाब मिलता है रमजानुल रमज़ानमबारक के रोज़े बाकी सारे महीनों के रोज़ों पर अफसल हैं और इसी तरह आशूरा के दिन रोज़ा रखने की फजीलत तो उसकी फजीलत अल्लाह ताली की जुदोसखा और अपने बंदों पर एहसान की तरफ लौटती है रसोल्ला सल्ह वसम के जमाने मुबारक में जो क्रैश थे ये लोग भी आशुरा का रोज़ा रखा करते थे और आ, ये इनके बारे में हिस्ट्री में आता है कि किसी स्टेज पर किसी टाइम पीरियड में क्रैश से कोई बहुत ही बड़ा गुनाह सरजद हुआ और आ, इनको फिर किसी ने कहा ये बहुत पछताए तो इनको किसी ने कहा कि तुम लोग आशुरा यानि दस मुहर्रम का रोज़ा रखो तो शायद तुम लोगों की तौबा कबूल हो जाएगी तो उसके बाद से फिर ये दस मुहर्रम का रोज़ा रखते थे अच्छा एक और चीज़ जो महीनों के हवाले से है ना वो भी हम ज़रा थोड़ी सी देख लें कि कुफ़ार जो हैं उनके यहाँ भी हराम महीनों का तस्वुर मौजूद था और, आ, और हराम महीनों की जो रिस्पेक्ट है वो भी ये ज़रूर करते थे लेकिन इनके अंदर जो एक नफ्सपरस्ती मौजूद थी तो उसकी वजह से ये क्या करते क्योंकि इनका मेन जो एक सोर्स ऑफ इनकम था वो था राजनी और कत्लो गत ये करना और ट्राइबल रेड्स करना और वहाँ से बच्चे उठा के ले आना और उन्हें ग़ुलाम बनाना और ये सब कुछ इनके यहाँ राइज था तो अगर फ़र्ज़ करें कि इनको मुहरम के महीने में पता चलता कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है कत्लो गारत की और राजनी की और मुहर्रम तो हराम महीना है तो ये कहते हैं कि अच्छा हम इसको सफ़र डिक्लेयर कर लेते हैं और सफ़र जब आएगा तो उसको मुहर्रम डिक्लेयर करके तो उसमें आ, घर बैठ जाएंगे उसको हरमत वाला महीना करार दे लेंगे तो इसको क़ुरान में अल्लाह सुबहान नसी करार दिया और कुफर में मज़ीद ज़्यादती करार दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया था तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ज़माना अपनी उसी हालत पर वापस लौट आया है कि जिस पर वो उस वक्त था जब अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक फ़रमाई थी साल के बारह महीने हैं जिनमें चार हुरमत वाले हैं तीन तो लगातार हैं यानी दा हिजा और मुहर्रम और चौथा मुदर कबीले का माह रजब जो जुमादा अ आखिर और शाबान के दरमियान है तो लिहाजा ये जो दौर जाहिलियत से एक महीनों को चेंज करने वाला काम शुरू हुआ हुआ था ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के साल हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन दस हिजरी में नॉट नबी दस हिजरी में जब आपने हज किया तो आप अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि अब जल्हज तब ही आया है जब के उसने एक्चुअली नेचुरल तरीके से आना था लिहाजा अब इसके बाद अब कोई नसी नहीं करेगा कोई इनको चेंज नहीं किया जाएगा अब यहाँ पर मुहर्रम के रोज़े की जो फजीलत है सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ा जो करने का काम इस महीने के हवाले से अदीस में मिलता है वो रोज़ा ही है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े सब रोज़ों से अफसल हैं और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफसल नमाज तहजद के वक्त पढ़ी जाने वाली नमाज है इसी तरह से अबू कतदा रदीला फ़रमाते हैं कि रसोल्ला सल् वम ने फ़रमाया मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आशूरा का रोज़ा गुज्त एक साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दौरे जाहिलियत में कुरैश आशूरा का यानी दस मुहर्रम का रोज़ा रखते थे फिर अलैहि वसल्लम भी ये रोज़ा रखते थे फिर जब आप मदीना तशरीफ लाए तो तब भी आशूरा का रोज़ा आप रखते थे और साहबा कराम को भी उस दिन रोज़ा रखने का आपने हुक्म दे रखा था अलबत् जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तो आशूरा की फर्जियत ख़त्म हो गई लिहाजा अब ये हुक्म दिया गया कि जो चाहे ये रोज़ा रखे और जो चाहे तो ना रखे ताक़ीद काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन फर्जियत रमज़ान के बाद ख़त्म हो गई तो आ, अब्दुल्ला बिन उमर रदीलानों से मलवी है कि रसोल्ला सल वम ने जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आपने फ़रमाया कि किशूरा अल्लाह के दिनों में से एक मज़्स दिन है लिहाजा जो उस दिन रोज़ा रखना चाहे वो रोज़ा रखे और जो ना रखना चाहे वो ना रखे लिहाजा ये बहुत एक वेनरेटेड बहुत एक फ़जीलत वाला रोज़ा है लेकिन है नफिल रोज़ा अब जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रदील्ला तैन फरमाते हैं कि आपने ये देखा कि यहूदी आशूरा के दिन का रोज़ा रखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग इस दिन रोज़ा क्यों रखते हो तो उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा दिन है और यही वो दिन है जब अल्लाह ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन यानी फ़िरौन से निजात बख्शी और फिरौन को उसके लश्कर समेत गर्क कर दिया तो मूसा सलाम ने शुक्राने के तौर इस दिन रोज़ा रखा तो लिहाजा हम भी रखते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम मूसा आसम के शरीक मुसरत होने में तुम से ज़्यादा मुस्क हैं वो मेरे नबी भाई थे चुनानचे आपने उस दिन रोज़ा रखा सल् वम और साहबा को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया इसी तरह से आ, एक और हमें रिवायत ये भी मिलती है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि यहूद की मुखालफत में अगर मैं अगले साल ज़िंदा हुआ तो मैं नौ मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा ठीक है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं कि अगला साल आने से पहले आप इंतकाल फरमा गए अलैहि वसल्लम और ये सही मुस्लिम में हमें रिवायत मिलती है कि आपने फ़रमाया अगर आइंदा साल मैं ज़िंदा रहा तो ज़रूर नौ का रोज़ा रखूँगा तो लिहाजा इस वक्त जो की एक कसीर तादाद है वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप नौ और दस दोनों दिन का रोज़ा रख लीजिए और अगर आपने दोनों में से एक का रखना है तो फिर बाज़ा ये कहते हैं कि फिर सिर्फ नौ का रखें इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस ख्वाहिश का इज़हार फरमाया था कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो फिर मैं नौ का रखूँगा और एक जो कलील तादाद है बहरहाल वो ये कहते हैं कि सिर्फ़ दस का भी अब रखा जा सकता है क्योंकि अब यहूद की मुशाबहत का इसमें सच कोई वो रह नहीं गया अंसर क्योंकि अब आ, मदीना में तो यहूद और मुसलमान इकट्ठे रहते थे ना तो ज़्यादा एक वो थी एहतमाल था चीज़ों का खल होने का कि वो भी रोज़ा रख रहे हैं मुसलमान भी रख रहे हैं तो अब इसके खल होने का इतना चांस नहीं है लेकिन बहरहाल ज़्यादा जो है वो इसी तरफ गए हैं कि या नौ और दस का रखा जाए जो सिर्फ नौ का रखते हैं उन पर भी कोई अः कदगन नहीं है और जो सिर्फ दस का रखते हैं उन पर भी कोई कदगन नहीं है अलबत् कुछ अहदीस जो रिवायत की जाती हैं कि दस के साथ या नौ का मिला लिया जाए या ग्यारह का मिला लिया जाए यानी एक दिन पहले का या एक दिन बाद का वो अहदीस ज़ैफ़ में आती हैं ठीक है वो अहदीस ज़ैफ़ हैं तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम आ, नौवीं और दसवीं दोनों का रोज़ा हम रख लें और अगर आ, कोई सेहत का मसला है या ट्रैवल है या एक ही रख सकते हैं तो फिर आप चाहें तो जैसे आपका उस वक्त आपके हालात इजाज़त देते हैं आप नौ का भी रख सकते हैं यानी सिर्फ़ नौ के रोज़े की गुंजाइश भी मौजूद है और आशुरा जो है वो बहरहाल दस मुहर्रम को ही कहा जाता है और दस की गुंजाइश भी मौजूद है अब यहाँ पर रोजे की बात तो हो गई और इसी तरह से इसकी रोजे की जो फजीलत है उसके बारे में भी आता है कि मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि योम याशूरा का रोजा गुज्ता एक साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा ये सही मुस्लिम की हदीस है और हमें ये चाहिए कि हम इन सारी ओपरचुनिटीज़ को अवेल करते चले जाएं यानी मसलन हमें अपॉर्चुनिटी मिली रमज़ान की अल्लाह ताला ने फिर हमें शवाल के छः रोज़ों की ओपरचुनिटी दी फिर अल्लाह ताला ने हमें ज़िलहज के जो इब्तदाई अशरा है और खसूस फिर अरफ़ा के रोज़े की ओपरचुनिटी दी फिर इसी तरह से अब अल्लाह सुबहान ते मुहरम की ओपरचुनिटी दे रहे हैं अब यह है कि मुहरम के रोज़ों में क्या सिर्फ नौवीं और दसवीं ही का रोज़ा जो है वो अफजल है या पूरे महीने में मज़ीद रोज़े भी रखने चाहिए तो इसमें ये कहते हैं कि रसोल्ला वसल्लम ने आ, फरमाया कि अल्लाह ताला को रमज़ान के बाद सबसे बेहतरीन जो रोज़े पसंद हैं वो अल्लाह के महीने मुहरम के रोज़े हैं और लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमले मुबारक जो था वो ये था कि आप रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा रोज़े आपने शाबान में रखे हैं अब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ल ने यह लिखा है इमाम नबवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हो सकता है कि ये मुहर्रम वाली बात अलैहि वसल्लम के जो है आखिर ज़माने की वही हो तो लिहाज़ा उसके बाद आप ज़्यादा रोज़े ना रख सके हों मुहर्रम में तो कोई अगर रखना चाहे पूरे मुहर्रम में तो वो स्कैटर करके रोज़े मज़ीद भी रख सकता है क्योंकि वो पूरा महीना ही हरमत वाला और एक वेनरेटेड और मुक़दस महीना बाबरकत महीना है ठीक है हराम महीना है तो लिहाजा आप उसमें स्कैटर्ड uh, मजीद रोज़े भी आशूरा के अलावा भी रख सकते हैं फिर इसके अलावा हमारे पास और मुहर्रम में करने के काम क्या हैं एक तो बात हमने जो शुरू में की कि हर जो आ, नेक अमल है वो इन दिनों में अल्लाह ताला ने ज़्यादा उसका अजर सवाब रखा हुआ होता है हर नेक अमल का अजर सवाब अल्लाह ने ज़्यादा रखा हुआ है इन महीनों में और फिर यह है कि हम सदकत करें हम जो भी नकमल करते हैं हम नवाफिल पढ़ें हम ये भी कर सकते हैं कि हम कुछ सदका जो है वो एक्स्ट्रा कर लें इस महीने के लिए कि इसमें मुझे अजर ज़्यादा मिलेगा फिर इसी तरह ये है कि हम आ, उसको यानी नवाफिल ज़्यादा पढ़ें तहजद पढ़ें इशराक पढ़ें जो भी नक माल हैं लेकिन इन सब चीज़ों में ये स्लाइड जो आपके सामने आ रही है ना ये आपकी रिवीजन के लिए है कि मुहरम के, के रोज़ों के हवाले से जितनी भी अदीस हैं वो यहाँ पर आपके सामने हैं तो आ, इनके अलावा जो भी नक माल आप करेंगे तो इन शो उसका अजर ज़्यादा मिलेगा एक एक हदीस जो सही बुखारी की है जो कि रह गई मेंशन होने से वो सद रबै बिन तमावज़ रदीलाना की है वो फरमाती हैं कि रमज़ान के रोज़े की फर्जियत के बाद भी हम आशुरा के दिन रोज़ा रखते और अपने बच्चों से भी रखवाते थे उन्हें हम ऊन उन का खिलौना देकर बहलाए रखते जब कोई खाने के लिए रोता तो वही दे देते यहाँ तक के इफ्तार का वक्त आ जाता आप देखें कि हमें बच्चों का तर्स आ जाता है और हालांकि बच्चों को आप जितना बैंड करने की कोशिश कर सकते हैं ज़रूर कर लेनी चाहिए और जितना भी कोशिश एफर्ट आप बच्चों को जितने बचपन में करवाएंगे उसके असरात आप उनकी बाकी ज़िंदगी में उतने ही ज़्यादा देखेंगे जितना लेट हम शुरू करते हैं उतना ही हमें आ, कम ग्रेटिफिकेशन और कम इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं जो चीज़ें शुरू में बच्चों के अंदर ड्रिल कर दी जाए वो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में उसके काम आती रहती हैं अब आप देखिए कि रोज़ा तो हमने रख लिया नेक आमाल माल भी हमने कर लिए और इसी तरह से हमने याद भी कर लिया कि मुहर्रम में हिजरा हुई थी और हिजरा का एक कॉन्सेप्ट है पूरा जो कि हर इंसान की ज़िंदगी में अमल दखल रखता है ये नहीं है कि हिजरा सिर्फ नबी अलैहि वसल्लम या साहबा की थी या सहाब कहाव की थी हिजरा का कॉन्सेप्ट हम में से हर एक की ज़िंदगी में है और जिसकी ज़िंदगी में हिजरा का कॉन्सेप्ट है ही नहीं जिसने कभी हिजरा के बारे में सोचा ही नहीं तो उसकी ईमान जो है फिर वो कमज़ोर है वो नाकिस रह जाएगा वो अपने ईमान के लिए कभी भी कुछ भी कुर्बान करने को तैयार ही नहीं होगा और हम अपने आप में और सबसे पहले अपने आप में और फिर अपने इर्द गिर्द बहुत से इस तरह के हम हालात वाकयात आए दिन देखते हैं कि हमें ये समझ आती है कि हमारा ईमान किस कदर कॉम्प्रोमाइज़ है हम अपने ईमान को कहाँ कहाँ पीछे धकेलते हैं इस दुनिया की मोहब्बत की खातिर तो लिहाजा ये पैगाम तो मुहरम हराम के हमें याद रखने होंगे अगर हमने अपनी ज़िंदगी में आखिरत के लिए कुछ करना है फिर आप देखिए कि मुहर्रम के शुरू होते ही एक ख़ास एटमासफ़ियर बन जाता है और वो एटमासफ़ियर होता है बहुत सी बिदात का बहुत सी ऐसी चीज़ों का कि जिनकी कोई असल नहीं है दीन में रसोल्ला सल्हल वसम पर अल्लाबह ने वही नाजिल फ़रमाई कुरान में आयत नाजिल फ़रमाई सुरतलमाइदा आयत नंबर थ्री अम अकमल तो इस्लाम दीना आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया नबी सल्ह वसम दुनिया से तशरीफ़ ले जाने से पहले दीन के मुकमल होने की खुशखबरी हमें देकर गए और नेमत तमाम कर दी इस्लाम की नेमत हमारे ऊपर कंप्लीट हुई हुई है और इस्लाम को पसंद किया अल्लाह ताला का फेवरेट दीन सबसे कंप्लीट दीन सबसे परफेक्ट दीन इसके अंदर अब किसी एडिशन की गुंजाइश नहीं है जैसा किसी सब्ट्रैक्शन की गुंजाइश नहीं इसी तरह किसी एडिशन की भी गुंजाइश नहीं है तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक सिलसिला बिदात का भी शुरू हो जाता है और उसके साथ ही साथ आप देखें इस हदीस को देखिए कि काबा की हरमत और मोमिन की हरमत कैसी हैं अब्दुल्ला बिनुमर रदील तु से रिवायत है वो फरमाते हैं कि मैंने सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम को काबा शरीफ़ का तवाफ़ करते देखा आप फरमा रहे थे ए काबा तू कितना पाकिज़ा है और तेरी खुशबू कितनी पाकिज़ा है तू किस कदर अजीम है तेरा एहतराम कितना अजीम है कसम है उस दाद की जिसके हाथ में मोहम्मद अलैहि वसल्लम की जान है अल्लाह के यहाँ मोमिन की हुरमत तेरी हुरमत से बढ़कर है यानी उसके माल और जान की हुरमत और ये कि उसके बारे में अच्छा गुमान रखें लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस महीने में यहाँ तक के सहाबा कर भी मामून नहीं रहते उन पर भी एक तान का और सब वो का और शतम सिलसिला शुरू हो जाता है हालांकि से मोहब्बत हमारे ईमान का तकाजा है मैं सोच रही थी कि आप देखिए कि हदीस की जो साइंसेस हैं उनमें मुहदसिन ने इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी बारीकी के साथ लोगों पर जरा की है और आ, रावियों को रिजेक्ट किया है उनकी कई आदात और अफ़ाल और उनके कमज़ोर हाफसे की वजह से लेकिन सहाबा तक जब वो पहुँचते हैं तो वो कहते हैं असहाबा तो कुल्लु अदूल सहबा तो सारे के सारे आदिल हैं सहाबा से तो कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वो रसोल्ला सल्हु वसम पर कोई झूठ घड़ेंगे तो लिहाजा जब बात एक सहाबी तक पहुँच जाती है तो बस फिर वो हमारे लिए हुज्जत हो जाती है लेकिन कहाँ ये कि हम जलीलुल कदर अकाबिर सहाबा पर तान शुरू कर देते हैं और हम उनके फैसलों पर आज चौदह सौ चालीस साल बाद भी आज हम एतराज करते हैं सुबहानल्ला हमें शैतान ने कितना डाइवर्ट किया है और कहाँ हमारी क्या एक्शंस होने चाहिए थे इस महीने के हवाले से और क्या हमने सिलसिले शुरू कर रखे हैं मुहर्रम हराम और एहतराम इंसानियत नबी करीम अलैहि वसल्लम ने मिना में फ़रमाया तुमको मालूम है आज कौन सा दिन है तो लोगों ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं फिर आप अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यह हरमत का दिन है और क्या यह भी तुमको मालूम है कि ये कौन सा शहर है लोगों ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायामत वाला शहर है और क्या तुमको ये भी मालूम है कि यह कौन सा महीना है लोगों ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हरमत का महीना है फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा खून तुम्हारा माल और इज्जत एक दूसरे पर इस तरह हराम कर दी है जैसे इस दिन की हरमत इस महीने और इस शहर में है और ये महीना कौन सा था मुहर्रम से एक महीना पहला जुल िजा का महीना और जिस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात फरमाई तो वो भी हराम महीना और इसी तरह से उससे आगे आने वाला हराम भी उसी तरह हराम महीना हम जब आ, मक्का जाते हैं हम हरम जाते हैं हम कितने मोहतात होते हैं लेकिन हमारा जो हमारी थिंकिंग रिचुअल्स तक महदूद हो के रह गई है हम रिचुअल से आगे चलते ही नहीं हैं हम तवाफ़ की हरमत को जानते हैं हम एक एक चीज़ पता करके जाएंगे कि तवाफ़ कैसे करना है हमें कहाँ से शुरू करना है कितने चक्कर लगाने हैं कहाँ पे ख़त्म करना है ऐसा ऐसा बाजुकात, बारीकी का सवाल भी लोग करते हैं कि मुझसे ये चीज़ रह गई ये ऐसे हो गया वो ऐसे हो गया क्या मेरा तवाफ़ हो गया क्या मेरा उमरा हो गया छोटी छोटी बातें लेकिन वो सारी बारीकियाँ वो सारी एहतियातें हमारी रिचुअल्स तक महदूद हो गई हैं हम जब किसी इंसान की बात करते हैं यहाँ तक के सहाबा की बात करते हैं हम जब किसी का माल नाहक खाने लगते हैं हम जब किसी की लूट मार करने लगते हैं हम जब किसी की इज्ज़त आबरू पे हमला करने लगते हैं जब हम लोगों के बारे में हम जजमेंटल होने लगते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि कौन अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम और क्या आप अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें कुछ याद नहीं रहता और हम सबसे बड़े जज खुद बने हुए होते हैं उस वक्त और जो हमारे मुंह में आता है हम कह डालते हैं तो ये हमारा जो आधा दीन है ना ये उद खलूफ़ा के खिलाफ है ये बात फिर इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो होता है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें और मोमिन वो होता है जिसकी तरफ से लोगों को अपनी जान और माल का अमन हो यानी एक दायरा जो वसी है मुसलमान होने का उसका भी क्राइटेरिया ये है यानी आप कलमा गो तो हो के एक आप टेक्निकली आप मुसलमान बन गए लेकिन अल्लाह के नज़दीक आपकी ज़बान और आपकी हाथ जो हैं वो दूसरों को महफूज रखेंगे तो आप मुसलमान हैं फिर इसी तरह से मज़ीद आप सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएं ईमान की तो फिर मज़ीद आपका ईमान कैसे सर्टिफाई होता है कि अगर आपकी तरफ से लोगों को अपनी जान और माल का कोई खतरा ना हो कि अगर मैंने इसके पास कोई अमानत रखाई तो ये हड़प नहीं कर जाएंगे या ये मेरी जान के दर तय नहीं होंगे और आज आप मुसलमानों का हाल देखें दुनिया में कहीं किसी काफिर के साथ किसी मुसलमान की आज जंग नहीं हो रही जहां हो रहा है वहां यही हो रहा है कि एक जो मुसलमानों का गिरोह है वो अंदर ईद की नमाज पढ़ रहा है और दूसरा मुसलमानों का गिरोह है कि वो उन्हीं के ऊपर रॉकेट फायर कर रहा है और दोनों एक दूसरे को काफिर समझते हैं और ये जो हमारे हालात हैं ये हमें किसी सूरत भी हमारे ईमान को बहरहाल सर्टिफाई नहीं करते हैं। फिर इसी तरह से रसुल्ला ने फरमाया उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है मोमिन का कत्ल करना अल्लाह के नजदीक तमाम दुनिया के तबाह होने से ज्यादा है एक मोमिन की जान का जाना फिर इसी तरह से हारिस बिन बरसार बरसार्नो कहते हैं कि मैंने वसल्लम को हज के दौरान दो जमरात के दरमियान कहते हुए सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे जिस शख्स ने झूठी कसम के साथ किसी मुसलमान का माल हासिल किया वो अपना ठिकाना आग में बना ले। हम शैतान को जमरात को हम शैतान कहते हैं फिर हम उनको हम उसको कंकरियां मारते हैं बाजात फिर लोग उसको जूते मार रहे होते हैं फिर साथ उसको कर्ज कर रहे होते हैं उसको गालियां दे रहे होते हैं लानत कर रहे होते हैं उसके ऊपर लेकिन आमाल की जो चेंज है उसकी तरफ हमारा कम ही ध्यान होता है आप सोचिए कि अब तो अल्लाह सुबहानतला जब खोलेंगे रास्ता हज का तो खोलेंगे लेकिन इससे पहले हर साल कितने कितने लाख पच्चीस लाख तीस लाख साठ लाख चालीस लाख ये तादाद है जो हज कर करके आती है तो फिर हमारे हालात क्यों नहीं चेंज होते हज इज सपोज टू चेंज अस हज ने जब हमारे पिछले गुनाह माफ़ करने हैं तो फिर हमें उस बात की कदर नहीं आनी कि हमारे पिछले गुनाह माफ़ हुए हैं तो अब हमें दोबारा वो काम नहीं करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज के दौरान ये सारी बातें फरमाना मानी रखता है कि रिचुअल्स तक जिंदगी नहीं गुजारनी अपनी जिंदगी में अपने अंदर अपनी बॉडी केमिस्ट्री अपनी सोल की केमिस्ट्री के अंदर ये सब चीज़ें लेकर आनी है मैं बाजूका कभी आ, कोई इस्लामिक स्टडीज के भी कोई बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ा रही होती हूँ वो आधा आधा घंटा क्लास में लेट आ रहे होते हैं तो पूछती हूँ कि आप कहाँ थे तो कहते हैं हम नमाज पढ़ रहे थे सुबहानला यानी आपके ऊपर जो एक कमिटमेंट है आप उसको छोड़कर और नमाज कज़ा भी नहीं हो रही और फिर आप आधा घंटा लेट आ रहे हैं तो ये हमारे जो झूठ और हमारे जो गलत बयानियाँ और ये हमारी घुट्टी में पड़ी हुई हैं कि हम इधर से झूठ बोला और निकल गए इधर से झूठ बोला मिसाल के तौर पर वैक्सीनेशन है कोविड की वैक्सीनेशन है बहुत से लोग और बड़े बड़े दीन की समझ रखने वाले लोग इस तगोद में हैं कि किसी तरीके हम अपना नाम रजिस्टर करा लें वैक्सीनेटेड में वैक्सीनेशन करवाए बग़ैर भई अगर आपको वैक्सीनेशन से इतना ही इख्तलाफ़ है ना तो फिर आप मत करवाइए और फिर आप पर जो पाबंदियाँ हुकूमत वक्त आयद करती है फिर उनको सह जाइए फिर झूठ बोल कर काम निकालना ये मोमिन का काम नहीं है इसी तरह से एहतराम के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की इज्जत से उस चीज को दूर करेगा जो उसे ऐबदार करती है अल्लाह ताला त्यामत के दिन उसके चेहरे से आग दूर कर देगा यानी आपके सामने अगर किसी इंसान की हिब्बत हो रही है तो आप उसको आ, 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 आप उसकी कोई अच्छी बात करें उस वक्त आप उसकी कोई अच्छी बात याद करें उस वक्त जैसे उस कहती हैं कि मैं जब कभी भी किसी इंसान को मिलती हूँ ना तो मैं एक प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं सबसे पहले उसकी अच्छी बातें याद करती हूँ और जब मैं उसकी अच्छी बातें याद करती हूँ तो उसकी कोई जो नेगेटिव बात होती है वो बैकग्राउंड में चली जाती है और मेरा दिल खुश हो जाता है कि हाँ इसने तो फ़िलह अच्छा काम किया था इसने तो फ़लाँ ने की करती है ये तो फ़िलह अच्छे काम करती है और हमारा काम क्या होता है हम सबसे पहले नेगेटिविटी ढूंढते हैं हम सबसे पहले इंसान के अंदर से बुराई तलाश करते हैं फिर इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुसलमान वो होता है कि जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें और मोमिन वो होता है जिसकी तरफ से लोगों को अपनी जान और माल का अमन हो फिर इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन मोमिन के लिए आइना है और मोमिन मोमिन का भाई है कि उससे उसके नुकसान को रोकता है और उसकी पीठ पीछे उसका दिफा करता है वो नहीं भी मौजूद तो उसकी कोई बुराई हो रही है तो उसका दिफा करता है फिर इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो लोग होते हैं कि उन्हें देखकर अल्लाह याद आ जाए और अल्लाह के बदतरीन बंदे वो होते हैं जो चुगल खोरी करते हैं दोस्तों के दरम्यान तफरीक पैदा करते हैं बेगुना लोगों में ऐब तलाश करते हैं यानी लोगों की इज़्ज़त के दर तय हो जाते हैं वो इज़्ज़त एक मोमिन की के जो काबा से ज़्यादा अल्लाह ताला को प्यारी है अल्लाह एक मोमिन की इज़्ज़त आबरू काबा से बढ़कर है लेकिन हम चुगलखोरी भी करते हैं दोस्तों के दरमियान तफरीक भी पैदा करते हैं बेगुनाह लोगों में ऐप भी तलाश करते हैं और ऐसे लोग फिर अल्लाह त नज़दीक ज़ाहिर है कि बदतरीन बंदे हैं कि किसी जिसको अल्लाह ने इतना शर्फ दिया और उसके बारे में उसकी इज़्ज़त के इतना दरपय हो जाना फिर इसी तरह से एक और जो तरीका आजकल बहुत राइज है और जिसके बारे में नबी अलैहि वसल्लम ने निशानदही फरमाई वो है जुल्म और कत रहमी तो आप वसल्लम ने फ़रमाया त रहमी की बनस्बत कोई जुर्म ऐसा नहीं जिसकी सज़ा जल्दी दी जाती हो और झूठी कसम तो इलाक़ों को वीरान कर देती है घर वीरान हो जाते हैं ऐसे ऐसे आ, सजाएं आ जाती हैं ऐसी ऐसी आजमाइशें आ जाती हैं और पूरे पूरे मुल्क पूरे पूरे, पूरे इलाके जो एक ज़माने में बहुत हंसते बस्ते आबाद थे वो ख़त्म हो जाते हैं इसी तरह से क़त रहमी की हरमत अब आप देखते जाइए कि हमने तो समझा ही नहीं कि ये हराम महीने पैगाम क्या दे रहे हैं कतः रहमी की हरमत वसल्लम ने फरमाया बनी आदम के अमाल हर जुमेरात को पेश किए जाते हैं और किसी कतः रहमी करने वाले के अमाल कबूल नहीं किए जाते तो लिहाजा इस मुहरम में कोई कतः रहमी हुई भी है तो उसको दूर कर लीजिए किसी को रूठे को मना लीजिए किसी को फ़ोन कर लीजिए किसी की खैरियत मालूम कर लीजिए अपनी अना को नीचे करके भी करना पड़े तो भी कर लीजिए आपकी ग़लती नहीं है तो भी कर लीजिए फिर इसी तरह से आप सल्हस ने फरमायाजल ने फरमाया, ने फरमाया ए मेरे बंदो मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया है तो तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो अब जुल्म क्या है हो सकता है कि हम में से एक यही सोच रहा हो कि अच्छा ठीक है ये तो किसी जालिम हुक्मरान की बात हो रही है किसी फ़िरौन की बात हो रही है नमरूद की बात हो रही है मैंने तो कभी म किया ही नहीं मैंने तो कभी म किया ही नहीं मैं तो जालिम नहीं हूं हालांकि हर गुनाह जो हम करते हैं वो जुल्म है वो हमारा अपने नफ्स के ऊपर जुल्म होता है बाज़ात जुल्म की डेफिनेशन क्या है जुल्म की डेफिनेशन है किसी चीज़ को उस जगह पे रख देना कि जो उसका महल नहीं है जो उसकी जगह नहीं है तो फिर आप देखिए ज़रा इस डेफिनेशन के ऊपर कि हमने कहाँ कहाँ जुल्म कर रखा है एक जुल्म जो मुझे बहुत बॉदर करता है जितना जितना भी इधर उधर देखने को मिलता है वो है इल्म इल्म पर जुल्म का कोई अदब रह ही नहीं गया कुरान पढ़ा है तो कुरान के ऊपर मिठाई का डिब्बा पड़ा है कुरान है तो उसके ऊपर चाय की प्याली पड़ी हुई है हमें क्या उसका वही महल है क्या ये कुरान पर जुल्म नहीं है फिर इसी तरह से कुरान पढ़ लिया और उसके ऊपर अमल नहीं किया क्या ये कुरान पर जुल्म नहीं है फिर इसी तरह से ये कि उसको इस तरह लपेट के और गोटे किनारी वाले कपड़े के अंदर उसको बांध के अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में रख के और उसको उसकी झाड़ पूंज कर दी और कभी ना कभी उसको निकाल कर किसी अपने बड़े से बड़े अल्लाह ताला की नाफ़रमानी वाले फंक्शन के बाद उसके नीचे से अपनी बेटी को गुजार गुज़ार के तो ये जुल्म नहीं है इसी तरह से हम में से हर एक अपने मजालम जो है ना वो अगर गिनता जाए जो हम अपने नफ्स पे करते हैं जो हम इधर उधर इर्द गिर्द कर रहे होते हैं तो हमें बहुत से नज़र आएंगे हो ही नहीं सकता कि हम ये कहें कि मैंने तो कभी म किया ही नहीं है हमें ना जितनी बारीकी से हम रिचुअल्स को देखते हैं ना ठीक है मैं ये नहीं कह रही कि रिचुअल्स को बारीकी से नहीं देखना चाहिए ठीक है लेकिन उसी बारीकी से अपने अखलाक को देखिए उसी बारीकी से अपनी ज़ात की जांच पड़ताल कीजिए आप अपने रुकू की सुजूद की हज की उम्र की तवाफ़ की जांच पड़ताल करते हैं कि हुआ या ना हुआ मेरा कोई रुकन ना रह जाए मेरा कोई वाजिब ना रह जाए हती कि फिर हमारा होता है कि हमारा कोई मुस्त भी ना रह जाए जो गैर वाजिब हैं जिनसे सवाब बाहर हाल होता है वो भी ना रह जाए बहुत अच्छी बात है हमारी इबादत को इस लेवल का होना चाहिए लेकिन उसके साथ ही साथ हमारी जिंदगियों का दूसरा एस्पेक्ट तकवा से बिल्कुल खाली इल्म आ जाना और उसके बाद तकवा ना होना तो फिर तो अमल का दरवाजा खुलता ही नहीं है तो लिहाजा हर कोई सोचे कि मैंने कहाँ कहाँ जुल्म कर रखे हैं चीजें किताबें हमने फेंक रखी होती हैं किसी रिटन मटेरियल का हमें अदब नहीं होता तो ये भी जुल्म है इसी तरह से किसी बड़े को उसका हक़ ना देना किसी छोटे पर शफकत ना करना ये जहाँ जहाँ आपको जो करना है वो अगर आप नहीं कर रहे या उसको कहीं और प्लेस कर रहे हैं तो वो जुल्म है अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सब को तोफ़ी फरमाए कि हमने जो कुछ आज पढ़ा पढ़ाया जो कुछ हमने कहा उस सब पर हमें अमल की अल्लाह सुबह तोफ़ी फरमाए और हम सिर्फ़ बात करने वाले ना बने हम आ, अमल करने वाले बने और अल्लाह ताला हमें बेअमली से और अल्लाह ताला की सेट करदा हरमतों से और हरमतों की जो पामाली है उससे अल्लाह सुबहानी हमें बचाए और हम बचें और हमें तौफीक हासिल हो और हम सहबाई के राम की इज़्ज़त करने वाले बने सहबाई के राम से मोहब्बत करने वाले बने और आखिर में एक बात कि उमर ताला तन की शहादत हुई यकम मुहर्रम को उसका जो इम्पैक्ट है वो उम्मत मुस्लिमा पर इतना ज़्यादा था के एक औरटलिस्ट जो कि बुगज़ रखता है इस्लाम से बुगज़ उमर रदी से बुगज़ लेकिन उसने कहा कि अगर उमर इस दुनिया में दस साल और जी लेते तो इस दुनिया में इस्लाम के सिवा कोई और दूसरा दीन होना ही नहीं था और बहरहाल हाल लेकिन हम हज़रत उमर रदी तुकी की शहादत के दिन को याद तो रखते हैं लेकिन उसके हवाले से हमने कोई अलग अकीदा कोई अलग अपने तरीका ज़िंदगी, कोई अलग आइडियोलॉजी, कोई अलग या पॉलिटिकल या रिलीजस नज़रिया नहीं हमने बनाना उसकी हमें इजाज़त नहीं है हमारे पास इस्लाम है इस्लाम के अंदर ही होगा जो कुछ होगा और उसके अहकाम के मुताबिक होगा जो कुछ भी होगा जो वाक़ करबला है वो बहुत बड़ा साना है और वो तकरीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के तकरीबन पचास साल बाद वो वाक़ रूनम हुआ है उसमें सैदना हुसैन रदीला की शहादत में सैदना हुसैन रदिल्लाह हक पर थे हम मानते हैं हम मोहब्बत करते हैं हम अहले बैत तमाम से मोहब्बत करते हैं हम सदना हसन से भी मोहब्बत करते हैं हम सदना हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं अन्हुमा लेकिन उनकी शहादत के बाद जो पॉलिटिकल और रिलीजस मूवमेंट्स ऐसी शुरू हुई कि जिनमें इस्लाम के जो बेसिक अकायद हैं उन्हीं को चेंज किया जा रहा है तो उसको हम कभी भी एंडोस नहीं कर सकते और ये भी याद रखना चाहिए कि आशूरा जो है उसका हुसैन रदीला वनों की शहादत से ताल्लुक़ नहीं है आशूरा की फ़जीलत का आशूरा के दिन उनकी शहादत हुई ज़रूर और इससे हो सकता है कि हमें उनकी एक्सेलेंस पता चलती हो लेकिन आशूरा का दिन जो फजीलत वाला है वो तो कब से है जब से कुरैश दौरे जाहिलियत में भी आशूरा का रोज़ा रखते थे ठीक है तो लिहाजा इन दो का भी हमें क्लियर होना चाहिए कि ऐसे ताल्लुक़ नहीं है इन वाकयात का और आशूरा का हराम में होने वाली कोई भी इसके अलावा जो बिदात हैं वो आ, उनका कोई असल नहीं है आ, और सो मच सो के आ, हमें हदीस में पता चलता है और सही बुखारी किताबुल जनाइज में और बहुत सी जो अदीस हमें मुख्तलिफ़ अदीस की किताबों में मिलती हैं कि हम में से नहीं कि जो अपने गाल पीटे और अपने गरेबान को चाक करे तो अगर आपको कोई वाक़ एंड टू बी ऑनेस्ट जब मुहर्रम आता है तो आपको ज़रूर हज़रत उमर की याद भी आती है डेफिनेटली आती है और इसी तरह से सईदना हुसैन की याद भी आती है उनकी मज़लूमियत भी याद आती है और उनके साथ होने वाला जुल्म भी याद आता है वो जो कुछ हुआ हम यजीद का मामला और सईदना हुसैन रदी का मामला अल्लाह ताला तक सपोर्ट करते हैं अल्लाह ताली फैसला करेगा उन अखिलाफात का जिन लोगों के दरम्या में हुए हैं हम जजेस नहीं हैं तो उसमें अगर हमें दुख होता है तकलीफ होती है तो लेकिन उसके साथ साथ हमें कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करना कि जो दीन के मुखालिफ है जो दीन की बेसिक तालीमात के बरक्स है मातम करना या इतने लंबे आप देखें किस कदर कमर्शलाइज हो गया है ये सारा कुछ के डिज़ाइनर जो ना मुझे कल ही एक बच्ची ने बताया कि डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं वो अपने मुहर्रम कलेक्शन निकाल रहे हैं ब्लैक वाइट ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड प्लेन और उनकी कोई सेल हो रही है तो ये क्या है ये ये पैगाम है शहादत हुसैन रदी का या ये पैगाम है कि हक के आगे हक, हक पर से हटना नहीं है ये पैगाम है तो फिर तो हमारा तरीक़ाकार बिल्कुल फ़र्क होना चाहिए बिल्कुल चेंज हुआ हुआ होना चाहिए तो लिहाजा हमें अपने दीन पर अल्लाह सुबहान ताल से इस्तकाम मांगने की ज़रूरत है और अपने दीन पर मतम रहने की ज़रूरत है हम मतम भी तो नहीं होते ना हम और और की तलाश में रहते हैं अभी रिसेंटली मुझे अल्लाह सुबहान तला ने मौका दिया कुछ मुख्तलि अध्यन को पढ़ने पढ़ाने का उनका तारफ़ जब मैंने खुद पढ़ा तो इतनी जगहों पर मुझे और स्टूडेंट्स ने इतना इनपुट दिया कि यानी कितना कुछ है कि जो हम लोगों ने दूसरे अध्यान से लेकर अपने दीन में उसको हिस्सा बना लिया और कितना आ, हमने अपने दीन को पसे पुष्ट डाला है हमारा सीधा दुरुस्त दीन हमें जो हुक्म देता है हमें वो करना है और जिससे हमें रोकता है उससे हमें रुकना है यही मुहरम्ल हराम का पैगाम है बार्लाफ़ी सुबहानल् हम इलाहा इल्ला अंता अस्त शिरधूबिल